हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको विंडो 10 की इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें विंडो डालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक विंडो 10 की ISO फाइल, पावर ISO एप्लीकेशन और एक पेन ड्राइव कम से कम 16 GB। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर आते हैं, पावर ISO ऐप को खोलते हैं। तो ये ट्रेल वर्जन है, तो कोई बात नहीं है, वेट करना है हमें। कंटिन्यू पे करके टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर हमें 5 सेकंड का वेट करना है। कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा ये ट्रायल वर्जन है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम विंडो का बैकअप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमने विंडो का बैकअप रख रखा है पहले से डाउनलोड करके, सेलेक्ट, और पेन ड्राइव ये अपने आप ही उठाएगा। तो फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके। अब हमारा जो पेन ड्राइव बूटेबल बनने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। दोस्तों ये बता दूं कि आपको ये जो पावर ISO ऐप है ये ट्रेल वर्जन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दौड़ेगा, काम करेगा अच्छी तरह से। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप आपकी समस्या का कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं अब थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पेन ड्राइव बूटेबल होने के बाद हमारा दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, विंडो इंस्टॉलेशन का, और हमारा पहला काम लगभग ख़त्म होने वाला है। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, और ओके करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमारा फर्स्ट जो वर्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें विंडो इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, तो हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने से हम बूट मेन्यू में जाएंगे, और जो हमारी USB ड्राइव बूटेबल है उससे बूट करवाएंगे। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद हमारी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे हम, और ये हमारी पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये आपकी मर्जी, आपने कौन सी विंडो डालनी है, 32 बिट या 64 बिट। मैं 64 बिट को सिलेक्ट करूँगा। विंडो की फाइलें लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी हैं। विंडो डालते समय हमारा कंप्यूटर दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसे। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल नाउ, और दोस्तों हमारे पास ये मतलब फुल वर्जन नहीं है, तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सभी वर्जन आ जाएंगे इसके विंडो 10 के। तो आपने जो सभी सिलेक्ट करना है वो डाल सिलेक्ट करके डाल लेना। वैसे विंडो 10 प्रो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर विंडो का जो लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे, फिर कस्टम इंस्टॉल पे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दिख रहा है सिस्टम रिजर्व और इससे नीचे वाला ड्राइवर जो पार्टीशन 2 है, इन दोनों को डिलीट करना है एक बार, दोनों को डिलीट करके तो ये स्पेस बच गया हमारा। तो अब हम इसका न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे, न्यू पे करेंगे, तो अपने आप 2 पार्टीशन क्रिएट होंगे। जो पहला है वो जो विंडो की फाइलें होती हैं उनके लिए रिजर्व है, और दूसरे में विंडो डलेगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। तो दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों विंडो डालने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंप्यूटर वाले के पास लेके जाते हैं हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप को। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो में देखकर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से विंडो डाल सकते हो।
200-400 रुपए देने की जरूरत नहीं है बाहर। तो विंडो की फाइल ने कॉपी हो चुकी है, तो यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे यूएसए। सेकंड कीबोर्ड के लिए पूछ रहा, तो यहाँ पे हम स्किप कर देंगे। अभी हमारे इंटरनेट के लिए पूछ रहा है, लेकिन आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू विद लिमिट सेटअप, लिमिट वाले सेटअप पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें फ़िलहाल विंडो डालनी है सिर्फ, जो बाकी की सेटिंग है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे कंप्यूटर का कोई भी नाम दे देंगे, जो आपका दिल करे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहें अपने कंप्यूटर पे, तो वो पासवर्ड डाल देंगे, अगर नहीं डालना तो सीधा नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे नोट नाउ करेंगे हम, क्योंकि हमें अभी तो सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है, जो बाकी बची सेटिंग है वो बाद में कर लेंगे। दोस्तों मैं विंडो का और पावर आईएसओ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपके वो वीडियो काम आएंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।